उत्तरकाशी की सुरंग पर शिव कृपा दिखी आकृति, लोग बोले मजदूरों की रक्षा करने स्वयं आ गए भोलेनाथ। देव पर भरोसा और आस्था भी, राह है फंसे मजदूरों तक पहुंचने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। उत्तरकाशी की सुरंग में कैद 41 जिंदगियों को जल्द बाहर निकालने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी के साथ ही आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। यहाँ लोगों का अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा है। वहीं आज सोमवार को सुरंग के मुहाने पर बाबा बोखनाग की अस्थाई मंदिर के पीछे पानी का रिसाव हुआ। पानी के रिसाव से बनी आकृति को भगवान शंकर की आकृति बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें भगवान शिव की आकृति बनी हुई दिखाई दी। लोगों का कहना है कि अब भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया है, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। 15 दिन से गंगा यमुना घाटी के इष्ट आराध्य देवताओं को मनाने के लिए स्थानीय लोग अपने अपने देवता की शरण में हैं। सुबह शाम उनकी सलामती और ऑपरेशन सिलक्यारा के सफल होने की कामना की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय लोगों की अपने आराध्य देव के प्रति मजबूत आस्था है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने देव से बात कर ली है। उन्होंने बोला कि सभी सही सलामत और जरूर वापस आएंगे। सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग 30 मीटर तक हुई है। पानी निकलने और पत्थर आने के चलते वर्टिकल ड्रिलिंग में कुछ दिक्कत हुई है। अभी मैनुअल ड्रिलिंग शुरू नहीं हो पाई है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ एक 8 इंच की ड्रिलिंग भी की जा रही है। ये ट्रायल के तौर पर किया जा रहा है, जिसकी 75 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई है। अब बड़ा सवाल है कि आज 16 दिन हो गए हैं और आखिर अब कब तक इंतजार किया जाएगा मजदूरों के वापस आने का। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।